हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो अभी भर्ती हुई थी, भर्ती के लिए जो एग्जाम हुआ था उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए, उसकी काउंसलिंग की प्रोसेस आ चुकी है और जितने लोग सिलेक्टेड हैं या जितने लोग वेटिंग में हैं उन सब की लिस्ट भी यहाँ पर आ चुकी है। यह है मध्य प्रदेश का एमपी ऑनलाइन का पोर्टल और इसमें यहाँ पर आपको मिलेगी प्रावधिक चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और यूजर मैनुअल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड चॉइस प्लेन। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएं, आप जल्दबाजी में फॉर्म फिल कर दें और उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स बाद में आ सकती हैं। तो हो गया क्या कि यहाँ पर जो रूल बुक आ रही है उसमें है कि टीचर्स रिक्वायरमेंट काउंसलिंग प्रोसेस है ये, और ये जो प्रोसेस होगी वो होगी हमारी, हाँ, TRC.MPOnline.gov.in पर। और यहाँ पर हमें किस पर जाना होगा, DPI पर। DPI पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए माध्यमिक शिक्षक एंड प्राथमिक शिक्षक का आइकॉन। तो आपको क्लिक करना है उच्च माध्यमिक शिक्षक पर, इस पर आपको क्लिक करना है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें फिर इस तरह का इंटरफेस वहाँ पर खुल के मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने यदि अभी तक नहीं बनाया है अपना आईडी पासवर्ड तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर यहाँ पर जाके आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपके पास वो ईमेल आईडी जो आपने अपनी प्रोफाइल बनाई थी वो उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, और या फिर आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो मोबाइल आपने फॉर्म में फिल किया है। दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, आप यहाँ पर साइन अप आसानी से कर लेंगे। यदि इन दोनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी आपका मोबाइल चेंज हो गया है, खो गया है, सिम बंद हो गई है, या फिर ईमेल आईडी आप भूल गए, पासवर्ड नहीं है, या फिर उसका भी आपके पास एक्सेस नहीं है, तो आपको DEO ऑफिस में जाके, अपने जिले के DEO ऑफिस में जा करके वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेंज करा देना है और या ईमेल आईडी भी चेंज करा देना। उसके बाद आप यहाँ पर साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि OTP उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जो आपने PEB के फॉर्म में भरा था, ठीक है। और देखिए, यदि आपका मोबाइल पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों बदल गए हैं तो आप DEO कार्यालय में संपर्क करें, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपना अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब आपके पास मोबाइल या ईमेल आईडी हो जाए तो फिर आप इसको यहाँ पर क्लिक करना है ना। आप जब कहाँ पर क्लिक करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर, तो आपको इस तरह से ओपन मिलेगा। यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी बना सकते हैं, जो सिलेक्ट है ना, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ लिख के आ जाएगा उच्च माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। और यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, अब वेरीफाई किससे करना है, OTP किस पे चाहिए, मोबाइल पे चाहिए या ईमेल पे चाहिए, वो टिक करना है। यहाँ कैप्चा मिलेगा, उसको करके आपको सेंड करना है। तो इसके बाद आपके मोबाइल पर क्या होगा, मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर OTP प्राप्त हो जाएगा एक, और उस OTP को आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा नीचे। OTP जब यहाँ पर हम डालेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ पर ये अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, यानी कि कोई भी आपका फिर लॉगिन रहेगा, रोल नंबर और पासवर्ड आप यहाँ पर जो बनाएंगे दो बार कंफर्म करेंगे वो पासवर्ड सेट हो जाएगा, और ये आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी चॉइस फिलिंग करने के लिए और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। जब इतना करेंगे आप फिर से लॉगिन पर जाएंगे, वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से वही उच्च माध्यमिक शिक्षा लिखा मिलेगा, रोल नंबर डालना है, वो पासवर्ड डालना है जो अभी आपने बनाया था, नया पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो डालना है, उसका कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना। जब लॉगिन करोगे तो इसके बाद आपको आपकी पूरी प्रोफाइल खुल के मिलेगी, और यहाँ पर आपके PEB की डिटेल, आपने जो फॉर्म में फिल किया था सारी चीज़ें, आपके ये भी लिखा मिलेगा कितने मार्क्स आपके आए हैं, है ना, कौन सी रैंक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस साइड पर ये जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ये जो इधर है ना, ये EWS व्यू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड, ये लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पर क्लियर नहीं है पर ये लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे, नीचे देखिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी आ गया है, री चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और अलाउटमेंट लेटर का भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब अपडेट हो जाएंगी।
इसके बाद आप क्या करना है, इसके बाद आ जाते यहां पर। हाँ, यहां पर आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट, यहां पर आपको वो डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है जिस जिले में जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाहते हैं। आप ऑल एमपी में कहीं भी जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जहां रह रहे हैं वहीं पर कराएं, दूसरे जिले में भी करा सकते हैं। वो जिला आपको यहां पर चूज करना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है ना, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और बीएड आपकी पीजी है तो पीजी डालना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर फिल करने हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या बाउंडेशन है कि 7 फोटोकॉपी अपलोड करने के बाद जब आप 8वीं कॉपी अपलोड करेंगे तो उसका अलग से चार्ज बढ़ जाएगा, ₹5 पर जो आप स्कैन करके इसमें फिल करेंगे 7 से ज़्यादा, तो ₹5 पर पेज इसमें शायद बढ़ा दिया है इसकी बार उन्होंने। और सारे डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आप लिख करेंगे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि यदि आपके दस्तावेजों की संख्या 7 पेज से ज़्यादा है तो 7 पेज के बाद आवेदक को ₹5 प्रति पेज का शुल्क देना होगा, ये है। इसके बाद आपको सीधा जिला नहीं मिलेगा कि कौन से जिले में पहले चाहिए, यहां पर सीधा आपको स्कूलों में प्राथमिकता देनी है, आपको सीधे सीधे स्कूल फिल करने हैं कि कौन से स्कूल में आपको करना है। तो ये चेंज हुआ है अबकी बार, पहले 2011 में क्या हुआ था, पहले डिस्ट्रिक्ट चूज हुई थी उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में स्कूल से चूज किए थे, अबकी बार डायरेक्ट स्कूल्स दिए हैं ना कि जिले दिए हैं। तो आप बहुत ही सोच समझ के फिल कीजिए कि आपको स्कूल किस तरह का चाहिए, कहाँ पर चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो आप पहले उन स्कूलों पर एक बार विजिट कर लें जिससे बाद में परेशानी ना हो। कई बार क्या होता है, हाँ डैशबोर्ड जरूर देखें, डैशबोर्ड के अनुसार ही आप जाएं। कई बार क्या होता है, दो स्कूल सेम होते हैं, हमें लगता है कि हमारे बगल में ही स्कूल है लेकिन पता चलता है उसका डैशबोर्ड दूसरा है और वो करीब 70 किलोमीटर दूर पहुँच गए आप। तो ये गलती, अभी कुछ ट्रांसफ़र हुए थे जो ऑफिशियल ट्रांसफ़र हुए थे कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, तो उसमें ये कई लोगों की प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने स्कूल विजिट नहीं किए थे गवर्नमेंट टीचर्स ने और अपने ट्रांसफ़र करा लिए थे, पता चला कि डैशबोर्ड अलग अलग हैं, जो स्कूल सोच रहे थे वो स्कूल उन्हें नहीं मिल पाए। तो कम से कम आप एक बार विजिट कर लें अपनी सुविधा अनुसार। इसके बाद क्या हो रहा है कि यदि आवेदक एक से ज़्यादा विषयों में पात्र है तो उसे 2 बार चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रहे, अलग अलग विषय की चॉइस फिलिंग होगी। अब चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पर देखिए फिर से ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ये लिखा है चॉइस फिलिंग, फिर आपका नीचे सब्जेक्ट मिलेगा, यदि आप 2 विषय से हैं तो यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी 2 हैं तो 2 आ जाएंगे, तो आपको दोनों फिल करने पड़ेंगे, एक फिल नहीं करना है, याद रहे। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी और डिटेल मिलने के बाद आपको यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से स्कूल मिलेंगे आपको, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, और वहाँ पर आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक में चाहिए वो सारे स्कूल पहले से ही मिल जाएंगे आपको, है ना। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, स्कूल चूज करना है, आप स्कूल का रीऑर्डर भी कर सकते हैं बाद में, कम से कम एक स्कूल कंपलसरी होगा यहाँ पर चेंज करना। और इसके बाद आप यहाँ पर जब इस तरह से सेव करेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे करके स्कूलों को रीअरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले क्रम पर आपको कौन सा स्कूल चाहिए, उसके बाद कौन सा चाहिए और उसके बाद आपको कौन सा चाहिए स्कूल। जब ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर करना होगा उसका पेमेंट, और पेमेंट की यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट, रसीद, ट्रांजेक्शन नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, और इस तरह से आपकी चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है वेरिफिकेशन के लिए, चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।